करता हूँ, नहीं, इट्स नॉट द टाइम फॉर शॉर्ट नोट मेकिंग, इट्स जस्ट टाइम कि आप रीड करो, प्रैक्टिस करो। बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ को डिटेल में डील करने की कोशिश मत करो लास्ट के मोमेंट पे, बिकॉज आपके पास बाकी चीज़ें भी तो हैं डील करने के लिए। जितनी भी नेम रिएक्शन है वो मैंने सिर्फ एक ही पेज में कवर किया, सिंस दो ही महीने बचे हुए हैं तो आपको पास इतना टाइम नहीं होगा आपके पास कि आप हर चीज़ को एक बहुत प्रॉपर टाइम दे के समझ के आराम आराम से चल सको। नहीं, लास्ट के महीनों में आपको बहुत स्मार्टली चीज़ों को डील करना होगा, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी प्लानिंग के साथ आपको अपने हर सब्जेक्ट को अप्रोच करना होगा। दैट इज वाई आज हम बात करेंगे हाउ यू कैन कंप्लीट योर फुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन जस्ट 14 डेज। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मी दीपक साहू, सेकंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन एम्स न्यू दिल्ली, एंड आई सिक्योर्ड 180 आउट ऑफ 180 इन केमिस्ट्री, एंड मेरा जो ओवरऑल स्कोर था नीट का दैट इज 715 आउट ऑफ 720 इन नीट 2021। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको किस तरीके से डे वाइज प्लानिंग करनी है जितने भी चैप्टर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हैं, एंड देन आफ्टर आपको एक्चुअल में कैसे अप्रोच करना है। बिकॉज अगर मैं ऊपर ऊपर से आपको बता दूं कि हाँ ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये पढ़ लो, ये तो कोई भी बता सकता है, बट हाउ एक्चुअली यू हैव टू स्टडी, व्हाट यू हैव टू स्टडी, व्हाट यू डोंट हैव टू स्टडी, बिकॉज लास्ट मोमेंट पे आप सब कुछ नहीं कर सकते। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके पास टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सिर्फ 7 ही हैं, बिकॉज थोड़ा सिलेबस रिड्यूस हुआ है, कुछ चीजें पॉलीमर वगैरह हट गया है। ओवरऑल वेटेज देखा जाए 15 क्वेश्चंस आएंगे अप्रॉक्सिमेटली, यानी कि 1/3, क्योंकि 45 क्वेश्चंस होते हैं केमिस्ट्री के, तो उसमें से 15 क्वेश्चंस बिकॉज इक्वली होता है फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक का, ठीक है। आप में से जो 12th में है उनके बोर्ड चल रहे हैं, आई नो, सो जस्ट टेक इट एज एन अपॉर्चुनिटी। ऐसा मत लो कि नहीं बोर्ड चल रहे हैं तो नीट की तैयारी नहीं कर पाऊंगा, जब केमिस्ट्री की बारी आए तो आप डेफिनेटली एनसीईआरटी पढ़ोगे, तो कहीं ना कहीं वो आपकी नीट में ही हेल्प करेगा। सबसे पहले बात करेंगे हम एक डे वाइज प्लानिंग को लेकर बात करेंगे कि आपको किस तरीके से अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अप्रोच करना है, किस तरीके से उसको रिवाइज करना है। आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, अच्छी बात है, बट लेट मी क्लियर कि सबसे पहले आप जीओसी से स्टार्ट करोगे। जीओसी को आप 2 दिन दोगे, आपको 2 दिन में क्या करना है, पहले दिन क्या करना है, दूसरे दिन क्या करना है, हम अभी डिस्कस करेंगे। तो जीओसी को 2 दिन दोगे, हेलो एल्किन हेलो एरिन्स को भी 2 दिन दोगे, एल्कोहल फिनोल ईथर उसको भी 2 दिन दोगे, फिर एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड को भी 2 दिन दोगे, अमाइंस उसको आप 1 दिन भी दे सकते हो, 2 दिन दे सकते हो, डिपेंड करता है आप पे, आपके कैलिबर पर डिपेंड करता है, हाइड्रोकार्बन्स उसको भी 2 दिन दोगे। बायोमोलिक्यूल छोटा चैप्टर है क्योंकि आपने बायोमोलिक्यूल सिमिलरली बायो में भी पढ़ा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें सिमिलर ही है, तो देखा जाए उसको 1 दिन में कंप्लीट किया जा सकता है। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स जिसमें गलती करेंगे, दैट इज हाउ टू अप्रोच। जब आप किसी एक चैप्टर को देखें, जैसे आपने अगर सपोज है कार्बोक्सिलिक एसिड स्टार्ट करना है आपको, तो आप कैसे स्टार्ट करोगे, हाउ एक्चुअली यू हैव टू गो, हाउ प्रैक्टिकली। सो सबसे पहली बात करेंगे, स्टेप नंबर 1 इज एनसीईआरटी रीडिंग। यस, आपको एक बार दिस इज योर लास्ट टाइम यू आर रीडिंग योर ऑर्गेनिक एनसीईआरटी, आपको एक बार पढ़ना पड़ेगा। इसके पीछे का रीजन है असर्शन रीजन है। यस, बहुत सारे असर्शन रीजन के क्वेश्चन आने वाले हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं, तो अगर आप बस ये सोच रहे हो कि मैं ऑर्गेनिक में बस रिएक्शन देख के चला जाऊंगा और क्वेश्चन लगा के चला जाऊंगा और मैं कंप्लीट कर लूंगा ऑर्गेनिक, ऐसा नहीं है। बिकॉज वहाँ पर आप गए, आपको स्टेटमेंट्स वगैरह मिल गए, आपको वो थ्योरी वाला पोर्शन ज़्यादा मिल गया, तो आप कैसे डील करोगे, या आप बताइए। इसलिए एक बार आपको एनसीईआरटी की रीडिंग इंश्योर करनी पड़ेगी, ताकि आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आने लगे कि यस यू हैव थोड़ा सा आपने बेसलाइन से कवर कर दिया है। एनसीईआरटी रीडिंग के फायदे मैंने आपको बता दिया, असर्शन रीजन कवर हो जाएंगे, दूसरा आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके सिलेबस का पार्ट क्या है और आपके सिलेबस का पार्ट क्या नहीं है, कौन सी रीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है, कौन सी रिएक्शंस नेम रिएक्शंस आपके एनसीईआरटी में कौन सी नहीं है, तो आप जब प्रैक्टिस करोगे आपको पता चल जाएगा कि नहीं ये करना है ये नहीं करना है। सो एनसीईआरटी रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 2 इज अ फॉर्मुला एंड रिएक्शन चार्ट बनाना। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर सपोज दैट आपने हेलो एल्किन हेरोइन पढ़ा, तो उसमें जितनी भी नेम रिएक्शन है वो सारे एक पेज पे लिख लो, जितनी भी इंपॉर्टेंट वो है इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फॉर एग्जांपल हेलोथेन का यूज एनेस्थीसिया में किया जाता है, ये फर्स्ट पेज जो आप हेलो एल्किन हेलो एरिन को पढ़ोगे उसमें आपको लिखा हुआ है। बेटर वे इज दैट कि किसी ने अगर अच्छे नोट्स बनाए हो तो आप उसको ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपने नोट शो करता हूँ, सो आई होप सो आप देख पा रहे होंगे, तो मैंने किस तरीके से एक ही पेज में पूरा नेम रिएक्शन जो है वो कवर किया हुआ है। सो इसमें देखो जाए, मैं सारी रिएक्शंस रोजमंड रिडक्शन इटार्ड रिएक्शन एवरी जो एनसीईआरटी में जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं वो मैंने सिर्फ एक ही पेज में कवर किया हुआ है। तो इससे क्या होगा ना, मुझे कभी भी ऑर्गेनिक रिवाइज करना होगा ना, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा, और स्पीड बढ़ा लूँगा तो आधे घंटे में ही ये पूरा खत्म कर लूँगा। एंड डोंट वरी, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इसको अपलोड कर दूंगा ये चीज़, तो आप जाके देख सकते हो, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप खुद से चीज़ें बनाने लगो, आपके पास इतना टाइम नहीं होगा, नहीं है अभी कि आप खुद से सोचो कि मैं एक शॉर्ट नोट्स बना लेता हूँ, नहीं, इट्स नॉट द टाइम फॉर शॉर्ट नोट मेकिंग, इट्स जस्ट टाइम कि आप रीड करो, प्रैक्टिस करो, दैट्स इट, दैट्स अ टाइम ओनली। ओके, कमिंग टू द स्टेप नंबर 3, तो स्टेप नंबर 3 इज एनसीईआरटी सॉल्व एग्जांपल्स और एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन ट्राई करना। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखो, जब आप एनसीईआरटी रीडिंग कर रहे हो तो साथ साथ में जो बीच बीच में सॉल्व एग्जांपल्स बीच बीच में है इन टेक्स्ट वाले वो आप करते चले जाओ, एंड लास्ट में जाके जैसी रीडिंग खत्म हो लास्ट में जाके एक्सरसाइज पे जाके बस क्वेश्चन रीड करो।
आप क्वेश्चन रीड करो, आपको समझ में आ जाएगा कि आप बना पा रहे हो कि नहीं। जो जिस क्वेश्चन में अटक जाओ उसका क्वेश्चन का आंसर जल्दी से कहीं से ढूंढो, गूगल वगैरह से ढूंढो और देख लो। सिंस लास्ट के 70 डेज और 2 मंथ के अप्रॉक्सी बचा हुआ है, तो मैंने अपने लास्ट टाइम पे एक्चुअली क्या किया था, मैं यूनिट वाइज टेस्ट लगाता था एंड देन आफ्टर फुल सिलेबस टेस्ट लगाता था। तो यूनिट वाइज से एक्चुअली क्या होता था, ज्यादा प्रैक्टिस हो जाती थी हर चैप्टर से और रिविजन भी साथ साथ होता था, फुल सिलेबस से कंप्लीट ओवरव्यू हो जाता था। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा एडुकार्ड का नीट अभ्यास बुकलेट। 14 जो है यूनिट वाइज टेस्ट है जिससे आप अपनी यूनिट वाइज प्रिपरेशन और हर चैप्टर पर एक प्रॉपर फोकस कर सकते हो। 10 जो है वो फुल सिलेबस टेस्ट है ना, विद इंक्लूडेड OMR शीट, सबके एक्सप्लेनेशंस इंक्लूडेड है। एंड OMR जो है दैट इज वेरी मच सिमिलर जो आपको एग्जैक्ट नीट में जो मिलने वाली, नीट एग्जाम में जो मिलने वाली है। तो जो यूनिट वाइज टेस्ट है उसका सिलेबस यहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूँ। इसलिए ये जो चीज है वो स्ट्रिक्टली लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग बनाई गई है, दीज मॉक टेस्ट एंड फुल सिलेबस मॉक टेस्ट। इस बुकलेट में आपको एक सप्लीमेंट्री बुकलेट दिया जा रहा है जिसमें जो भी एडेड चैप्टर है, मतलब जो टॉपिक्स एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन नीट के सिलेबस में है, उसकी थ्योरी आपको दी जा रही है। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि चिकनगुनिया एंड डेंगू ऐड किया गया है, बहुत सारी फैमिलीज ऐड की गई हैं बायो में भी, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में भी कुछ कुछ नए नए टॉपिक्स ऐड किए गए हैं। सो इस वजह से उनसे रिलेटेड भी थ्योरी आपको पढ़नी पड़ेगी, उनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको एटलीस्ट थोड़े बहुत तो लगाने ही पड़ेंगे। दैट इज वाई आपको आई हाईली रिकमेंड यू दिस नीट अभ्यास बुकलेट। तो मैंने सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे दिए हैं, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। एंड स्टेप नंबर 4 इज दैट जो आप कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो, दैट इज चैप्टर वाइज टेस्ट देना। यस, जैसे ही आपने कार्बोनिल खत्म कर लिया, एक छोटा सा बस आधे घंटे का एक चैप्टर वाइज टेस्ट दो, 30 क्वेश्चन का, 35 क्वेश्चन का, दैट्स इट, ताकि आपने जो किया है वो आप एक फिनिशिंग लाइन दे सको लाइक दैट। अगर आपको चैप्टर वाइज नहीं टेस्ट नहीं देना है तो PYQ करना एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव हो सकता है कि आप उस चैप्टर की सारे PYQ कर लो। अब हम बात करेंगे कि आप इस चीज को, इस शेड्यूल को अपने रेगुलर शेड्यूल से कैसे मैनेज कर रहे, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो डे वन रहेगा हर चैप्टर का, फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं हेलो एल्गिन हेलो एरिन को मैंने 2 दिन असाइन किए, तो उसमें से जो डे वन होगा उसमें एनसीईआरटी रीडिंग हो जाएगी, इंटेक्स वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे और वो सब हो जाएगा। तो जो डे टू हो जाएगा उसमें वो प्रैक्टिसिंग वाला पार्ट हो जाएगा कि हाँ वो चैप्टर वाइज स्ट्रेस लगाना या फिर कोई और टॉपिक रह गया वो पढ़ना या फिर जो फॉर्मुला शीट्स वगैरह उससे रिवाइज करना है वो डे टू में कर लेना, ठीक है। और अगर चैप्टर बहुत बड़ा है तो रीडिंग आप आधा चैप्टर इसमें भी कर सकते हो, आधा चैप्टर डे टू में भी कर सकते हो। इस तरीके से आपको दोनों दिन में डिवाइड करना है। बायोमोलिक्यूल छोटा है, एक दिन में दोनों चीज हो जाएंगी, आप पढ़ भी लोगे एंड वो भी कर लोगे। ऐसा नहीं है कि आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। थोड़ा जो आप ऊपर ऊपर से देख सकते हो कि आपने इतनी बार एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आपने अंडरलाइन चीजें की होंगी, हाईलाइट चीजें की होंगी, तो आप ऊपर ऊपर से भी देख सकते हो कि हाँ ये रिएक्शन इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, जस्ट लाइक स्कैनिंग द थिंग। बट इतना फास्ट स्कैन नहीं करना है कि कुछ भी पढ़ नहीं रहे हो, बस स्कैन करे जा रहे हो, पेज पलटाए जा रहे हो, ऐसा भी नहीं करना है। ओके, नाउ मैंने एक चीज कहा कि आप इस शेड्यूल को बाकी चीजों से कैसे मैनेज करोगे। तो बायो को आप मॉर्निंग में कर लो, तो पूरा दिन जो आपके पास बचा दैट इज फॉर द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सो केमिस्ट्री में ऐसा होगा कि आप फिजिकल और इनऑर्गेनिक इस दौरान नहीं कर रहे होगे या फिर कम कर रहे होगे, आपका प्रेडोमिनेंटली ऑर्गेनिक का ही पोर्शन चल रहा होगा। सम ऑफ द प्रोटिप्स जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली बात, लास्ट की मून पे कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट रिलाई ऑन एनसीईआरटी, रिलाई ऑन एनसीईआरटी रिलेटेड चीजें। एंड ऑर्गेनिक में मुझे पता है बहुत सारी एक्स्ट्रा रिएक्शन होती है, नहीं अगर सपोज दैट कैनिजरो रिएक्शन है, तो ऐसा नहीं कि कैनिजरो को बहुत डिटेल में पढ़ लेना है। कोई भी रिएक्शन है, बहुत फेमस रिएक्शन है, ऐसा नहीं कि डिटेल में पढ़ रहे हैं। गिगनार्ड रिएजेंट है, ऐसा नहीं गिगनार्ड रिएजेंट के बहुत सारे क्वेश्चन ट्राई करें, नहीं, जस्ट स्टिक टू द बेसिक थिंग, उसको बेसिकली जानो, उसकी जितनी भी अच्छे डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो उसको कंप्लीट करो। बहुत ज्यादा किसी भी चीज को डिटेल में डील करने की कोशिश मत करो लास्ट के मोमेंट पे, बिकॉज आपके पास बाकी चीजें भी तो हैं डील करने के लिए। ऐसा तो नहीं कि आपको ऑर्गेनिक पढ़ना है, नहीं, आपको फिजिक्स भी करना है, आपको बायो भी करना है ना। तो इस वजह से बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा अप्रोच रखने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाना है। तो नेम रिएक्शन पे ज्यादा फोकस करो बिकॉज उसमें मैक्सिमम वेटेज रहता है। अनदर थिंग इज दैट आप अपने यूट्यूब का, यस, जो इस पे आप अभी ये वीडियो देख रहे हो उसका प्रॉपर यूज करो। लाइक फॉर एग्जांपल आपको एक पर्टिकुलर रोजमन रिएक्शन नहीं आता, ठीक है, या फिर आपको विलियमसन रिएक्शन नहीं आता, सो द थिंग इज दैट, या फिर वोट्स रिएक्शन नहीं आता, तो बस टाइप करो एंड जस्ट हैव अ लुक, कोई शॉर्ट वीडियो देखो उसकी, उस रिएक्शन की जिसने क्वेश्चंस भी बता दियो, और आप एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, यू डन। ऐसा नहीं है कि और ज्यादा वीडियोस देखने लगे उससे रिलेटेड या फिर वीडियोस के थ्रू ही चैप्टर कंप्लीट करने लगे, ठीक है। सो ऐसा नहीं है, जहां पे प्रॉब्लम आए यूज गूगल, यूज यूट्यूब, दैट्स इट, ठीक है, अपनी स्पीड को फास्ट करने के लिए, ठीक है। एंड आफ्टर दिस शेड्यूल रिवाइज करना ऑर्गेनिक वी आर रिएक्शन शीट से करोगे या फिर मॉक टेस्ट के क्वेश्चन करोगे, जैसे मैंने बताया कि इसके बाद आपको बार एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस शेड्यूल के बाद आपको सिर्फ क्या करना है, मॉक टेस्ट में जितने ऑर्गेनिक के क्वेश्चन आ जा रहे हैं सिर्फ आपको उतनी ही डील करनी है, उसी से रिलेटेड आप प्रैक्टिस करते रहोगे एंड यू आर डन विद द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन दिस वे। या सो थैंक यू सो मच गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो जस्ट हिट द लाइक बटन, एंड हम इसी सीरीज में और वीडियोज लेके आएंगे, लाइक फिजिकल के लिए, एक इनऑर्गेनिक के लिए। सो या ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू सो मच।